चलिए अब थोड़ा सा मेल को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका कुछ हेडिंग लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे चाहते हैं कि एक बड़ा सा टाइटल हो और सेंटर में हो। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जो ए वाला लिखा है नीचे में फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे मेनू बार खुल गए हैं, ऑप्शंस खुल गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टी लिखा है बड़ा सा छोटा सा टी, तो यहाँ पे इसको साइज़ क्या रखना है वो चीज़ बताता है। तो सबसे पहले इसका साइज़ को बड़ा सा रख लेते हैं, ह्यूज में। तो ये बड़ा सा साइज़ हो गया, इसको सेलेक्ट करके इसको क्या चीज़ बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लिए, इटैलिक करना चाहिए इटैलिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन, और यहाँ पे टेस्ट का कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको ब्लू कलर कर दिया, और इसका बैकग्राउंड को क्या रखूँ, ग्रे में कर दिया। ठीक है, तो ये अजीब से दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसको क्या रखा, इसको वाइट ही रख देते हैं, और बैकग्राउंड को थोड़ा हम कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया, हेडिंग बना लिए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट थोड़ा अलग रहे, डिज़ाइन अलग, तो इसको गॉगोनिया कर देते हैं, और दूसरा फॉन्ट वरदाना, कोई भी फॉन्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं जो बेटर लगे। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देते हैं, वरदाना में अलग हो गया, गॉगोनिया में अलग हो गया। ये गॉगोनिया फॉन्ट मेरा बहुत अच्छा लगता है, तो ये इसमें कर लेते हैं। और इसको जैसे अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट कहाँ पे, तो इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो इसको सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का ये सेंटर में आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में लिखूँगा तो सेम फॉर्मेट रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए इसका कलर वाइट है इसलिए इसका कर्सर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको कलर को मैं डार्क कर लेता हूँ, साइज को थोड़ा नॉर्मल, और बैकग्राउंड को वाइट। ठीक है, अंडरलाइन हटा देता हूँ। वेलकम टू अभिधा, तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके सबटाइटल बना लिए मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिस्ट तैयार करूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके और सर्विसेज बना लिया, और यहाँ पे मैं लिस्ट को क्लिक कर देता हूँ ताकि अपने पास क्या क्या सर्विस है वो यहाँ पे शो हो। मैं इसका फॉन्ट को थोड़ा सा लेफ्ट में अलाइन कर देता हूँ, और साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, और साथ ही इसका फॉन्ट अलग कर देते हैं, नैरो फॉन्ट। ओके, तो ये देखिए अपने पास ऐसे प्रकार का डिज़ाइन हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको, या तो यहाँ से अंडू रीडू भी कर सकते हैं, जैसे कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए अपने को, ऐसा नहीं चाहिए था तो अंडू कर सकते हैं, या फिर वापस चाहिए तो रीडू। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल डिज़ाइन हो गया। और इस हाँ, अब इसमें जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें अपना फ़ोटो भी डालूँ, लोगो वगैरह डालूँ, तो यहाँ पे बीच में जैसे कि मैं इसमें लोगो डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट फाइल, तो यहाँ से इंसर्ट फाइल कर सकते हैं, लेकिन फाइल से वो फाइल टाइप का आ जाता है। तो यहाँ पे इंसर्ट फ़ोटो लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट फ़ोटो में जाने के बाद आपको आपके फ़ोटो जो आपका ड्राइव है वहाँ से दिखाता है, या एल्बम से देख सकते हो, या फिर अपलोड कर सकते हो। तो हम लोग अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पे चूज़ फ़ोटो टू अपलोड, यहाँ पे फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। अभी क्या कहाँ गया, तो एक अच्छा सा हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ इन लाइन बोल रहा है, दूसरा है अटैचमेंट। ठीक है, तो ये अपना बड़ा सा फ़ोटो आ गया, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसको छोटा साइज करना चाहें तो छोटा कर लिए। अभी इसको सेंटर अलाइन किए इसलिए हमेशा सेंटर में आ जा रहा है, तो ये एक बात हो गई। इसको भी अलाइन कर सकते हैं जिधर चाहें, इसको सेंटर में है तो सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में,
ठीक है, तो अपन को सेंटर में चाहिए तो सेंटर में।